देश में अब तक कोरोना के 1200 मामले सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर केंद्र एवं राज्य सरकारें चिंतित है। इस कड़ी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना संकट से लड़ने के लिए पत्र लिखा, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुकेश अंबानी को पत्र लिख अनूठे तरीके से गरीबों की सहायता करने को कहा। जानिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने क्या क्या कहा पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि हमें पूर्ण लॉकडाउन रणनीति का पालन करने वाले अन्य बड़े देशों की तुलना में अलग अलग कदम उठाने होंगे, क्योंकि भारत में ऐसे गरीब लोगों की संख्या काफी अधिक है जो दैनिक आय पर निर्भर है। वहीं प्रियंका गांधी ने मुकेश अंबानी को पत्र लिखकर गरीबों के लिए एक महीने के लिए अपने जियो मोबाइल उपभोक्ताओं की इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री करने का अनुरोध किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने शनिवार को कोरोना के बढ़ते संकट के बाद दिल्ली व अन्य राज्यों से अपने गृह राज्यों की ओर पलायन कर रहे लोगों की दयनीय स्थिति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए इस भयावह स्थिति के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे एक बड़ा अपराध बताया था। पीएम मोदी को लिखे पत्र में राहुल गांधी ने लिखा, संकट के इस दौर में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत की परिस्थितियां कुछ अलग है। हमें पूर्ण लॉकडाउन रणनीति का पालन करने वाले अन्य बड़े देशों की तुलना में अलग अलग कदम उठाने होंगे, क्योंकि भारत में ऐसे गरीब लोगों की संख्या काफी अधिक है जो दैनिक आय पर निर्भर है। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़क मार्ग से पैदल ही पलायन कर रहे लोगों की खाने पीने की मदद करने की अपील की है। दूसरी ओर व्यवसायी मुकेश अंबानी को लिखे पत्र में प्रियंका गांधी ने कहा कि आज देश भर में हमारे लाखों प्रवासी श्रमिक भूख प्यास से लड़ते हुए अपने घरों तक पहुंचने की जद्दोजहद में जूझ रहे हैं। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हजारों गरीब लोग अपने फोन रिचार्ज नहीं करवा पा रहे हैं और अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मानवीय आधार पर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप एक महीने के लिए अपने जियो मोबाइल उपभोक्ताओं की इनकमिंग और आउटगोइंग फ्री कर दे तो इनको बहुत सहूलियत हो जाएगी। इससे पहले राहुल गांधी ने वेंटिलेटर और मास्क की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। अब लॉकडाउन के दौरान हजारों लोग पैदल ही अपने गृह राज्य की ओर पैदल निकल पड़े हैं। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सरकार इस भयावह हालत की जिम्मेदार है। नागरिकों की यह दशा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। आज संकट की घड़ी में हमारे भाइयों और बहनों को कम से कम सम्मान और सहारा तो मिलना ही चाहिए। सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए ताकि ये एक बड़ी त्रासदी ना बन जाए। अपने एक अन्य ट्वीट में राहुल गांधी ने लॉकडाउन पर सवाल उठाते हुए लिखा, लॉकडाउन हमारे गरीब और कमजोर को तबाह कर देगी। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा जिसे हम प्यार करते हैं। भारत काला और सफेद नहीं है, हमारे फैसलों पर ध्यान से विचार करना होगा। इस संकट से निपटने के लिए एक अधिक सूक्ष्म और दयालु दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पलायन करने वालों की मदद की अपील भी की। वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता ने कहा कि आज हमारे सैकड़ों भाई बहनों को भूखे प्यासे परिवार सहित अपने गांवों की ओर पैदल जाना पड़ रहा है। इस कठिन रास्ते पर आप में से जो भी उन्हें खाना पानी आसरा सहारा दे सके कृपा करके दे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से मदद की खास अपील करता हूँ। वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, हम एक राष्ट्र के रूप में कैसे सिर्फ हजारों प्रवासी कामगारों को अपने लिए छोड़ सकते हैं। इसमें पुरुष महिलाएं और बच्चे शामिल है जो पूर्वी यूपी और बिहार तक घूम रहे हैं। हमने यूरोप से नागरिक को लाने के लिए विमान को भेजा है, लेकिन गरीबों को पहुंचाने के लिए परिवहन का आयोजन नहीं कर रहे हैं। संकट के इस समय में हमारे साथी नागरिकों की मदद करना सरकार का नैतिक कर्तव्य है। प्रियंका ने एक वीडियो शेयर करते हुए यूपी और दिल्ली सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इस वीडियो में लोग सैकड़ों की तादाद में पैदल ही गंतव्य की ओर जा रहे हैं। प्रियंका ने लिखा, इन मजबूर हिंदुस्तानियों के साथ ऐसा सलूक मत कीजिए। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने इन्हें इस हाल में छोड़ दिया। ये हमारे अपने हैं, मजदूर देश की रीढ़ की हड्डी है, कृपया इनकी मदद करिए। एक अन्य वीडियो जाहिर करते हुए प्रियंका ने लिखा, दिल्ली के बॉर्डर पर त्रासद स्थिति पैदा हो चुकी है। हजारों की संख्या में लोग पैदल अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं। कोई समाधान नहीं, भोजन नहीं, कोरोना का आतंक, बेरोजगारी और भूख का भय इनके पैरों को हर गांव की ओर धकेल रहा है। मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि कृपया इनकी मदद कीजिए। वहीं AICC और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में लॉकडाउन के दौरान कई जगहों पर रास्ते में फंसे मजदूरों एवं गरीबों की मदद के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श जारी किए जाने का निवेदन किया। सोनिया गांधी ने रास्ते में फंसे लोगों को उनके घरों तक जाने के लिए राज्य परिवहन और सेवा मुहैया कराने और जिला कलेक्टर को उनकी मदद का उत्तरदायित्व दिए जाने की बात लिखी। पॉलिटिक्स ब्यूरो,
दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।